हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे जेंटलमैन और दिया, ये दोनों ही मूवी के बारे में, क्योंकि इस दोनों ही मूवी के लिए काफी डिमांड आ रही थी। काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई एक बार तो आप ये दोनों मूवी जाके जरूर देखो। और ये दोनों मूवी इसी मंथ में रिलीज हुई। और मैं आपको रिव्यू बताने से पहले बता सकता हूँ कि आप फिल्म है भाई, क्या फिल्म है। मैं बैक टू बैक दोनों ही फिल्म देख के, और मैं अभी तक के दिया जो मूवी थी उससे तो बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ, वो तो अलग ही मूवी। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जेंटलमैन मूवी की। जेंटलमैन मूवी में हमें नजर आते प्रज्वल देवराज, निश्विका नायडू, और इसे डायरेक्ट किया क्या जदेश कुमार हम्पी ने। ये एक एक्शन रोमांस और थ्रिलर मूवी है। इसकी जो कहानी है, कहानी में आपको पूरी तो नहीं बताऊं, क्योंकि देखिए ट्रेलर जो मूवी होती है उसमें अगर कहानी बता दो तो उसका जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इसकी स्टार्ट बताऊंगा। स्टार्ट होती है हमारे हीरो जिसका इस मूवी में नाम है भारत, उन्हें एक स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिन में सिर्फ 6 घंटा ही जाग पाते हैं और 18 घंटे ही सोते हैं। तब उस 6 घंटे में इनको अपनी सारी दिनचर्या जो जो चीजें होती वो सब भी करना होता है। लेकिन इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे और भारत भी उसी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जेंटलमैन। देखिए जेंटलमैन उन मूवीज में से आती है जिसे बनाना और जिसे लिखना और जिसमें एक्टिंग करना अपने आप में एक अलग ही लेवल होता है, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको कोई फिल्म एंगेज करे। किसी फिल्म में अगर आप घुस जाओ, आप खो जाओ, तो समझ लेना वो फिल्म सुपर हिट है। और बिल्कुल जेंटलमैन उन्हीं फिल्मों में से एक है, क्योंकि मैंने इस फिल्म में देखिए एक्शन ही नहीं है, लेकिन इस फिल्म में जो इमोशन का जो तड़का है वो भी इतना लाजवाब है कि मतलब आप पूरी तरह से आप एंगेज हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि भाई ये फिल्म ऐसी इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है जिस इंडस्ट्री को कुछ सालों पहले तक कोई जानता नहीं था। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हिंदी ऑडियंस की, जिन लोगों के FI के बारे में मालूम ही नहीं था। मतलब यार मैं तो बोलता हूँ KGF Chapter 1 को तो हम लोग, क्योंकि उसमें हमें एक ऐसी इंडस्ट्री से मिला था जिसके बारे में हम लोग अनजान थे। और सीरियसली आज की तारीख में वन ऑफ दी बेस्ट इंडस्ट्रीज है वो है KFI यानी सैंडलवुड। बैक टू बैक एक से बढ़कर एक फिल्म है। और जेंटलमैन तो मैं बोलता हूँ एक ऐसी फिल्म है जो हर एक इंसान को पसंद आएगी। अगर जो मूवी लवर है वो बोलेगा कि मुझे मूवीज देखना पसंद है, अच्छी मूवीज देखना पसंद है जिसमें स्टोरी हो, जिसमें एक्टिंग हो, जिसमें स्क्रीन प्ले अच्छा हो, जिसकी राइटिंग बढ़िया हो, जिसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया हो, तो यार ये फिल्म बिल्कुल एक अलग ही लेवल की। मतलब बॉलीवुड में 100-150 करोड़ की फिल्में बनती है, लेकिन ये फिल्म देखो इतना बजट नहीं लगता है, फिर भी कहानी देखो, मतलब यार मैं तो टोटली मतलब एकदम इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैं ऐसा लगता है कि अब मुझे बॉलीवुड की फिल्म या ये सब चीजों को छोड़ के ना भाई KFI की जितनी भी फिल्म आने वाली उसका ही रिव्यू करो तो बहुत बेटर, क्योंकि कम फिल्म देखो लेकिन अच्छी देखो तो मजा आ जाता है। और ये उन्हीं में से एक फिल्म है जो शायद आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने ऑलरेडी ये फिल्म देख चुकी तो आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो ये फिल्म पूरी अच्छी लगी है, कहीं पर भी मुझे निराशा नहीं हुई। तो यार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई प्लीज जाके इस मूवी को देखना। हाँ, मैं जिस थिएटर में देखा वहां पे सबटाइटल नहीं थे, मैं आपको बता दूं तो लैंग्वेज तो कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबटाइटल बिल्कुल नहीं थे, तो डायलॉग समझना थोड़ा मुश्किल होता, बस सीन देख के समझ सकते हो बस जितना है। खैर अब हम लोग बात करेंगे दिया मूवी की। देखिए दिया मूवी की कहानी की बात करो तो ये एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी है, मतलब आंखों में आंसू आ जाते, समझ लो आप पूरी तरीके से फिल्म में खो जाओगे पूरी तरीके से। और ये बेस्ट सरप्राइज है लोगों के लिए, जो कनाडा के जो ऑडियंस है उनके लिए बेस्ट सरप्राइज है। जितने भी यंगस्टर है जो प्यार करते हैं, जिनके मतलब जो जो उनके प्यार में कुछ भी होता है, तो बेसिकली ये जब फिल्म वो देखेंगे तो वो उनको अपनी प्यार की याद आ जाएगी, या उनके साथ जो कुछ हादसा हुआ, उनके चाहे उनके लवर या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हुआ या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हुआ है, तो उनको वो सब चीजें याद आ जाएगी। ये फिल्म सही मामले में बोलूं तो एकदम रियलिटी के एकदम करीब बनाई गई। मतलब फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं, हमको ऐसा महसूस होता है कि हम वाकई में दिया को देख रहे हैं, हम वाकई में रोहित को देख रहे हैं, हम वाकई में आदि को देख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से इस फिल्म में खो जाओगे। बस ये आज जो मेरा मैंने आज ये दोनों फिल्म देखा हो ना, जेंटलमैन हो या दिया हो, मैंने 2020 में अभी तक के ऐसा दिन मेरा गया है नहीं जो मुझे बैक टू बैक दोनों फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के। सच में आज बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है। लेकिन तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है दिया से, जो कि एक बायोटेक स्टूडेंट है, उसका एक बॉयफ्रेंड है रोहित, जो कि एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसकी मुलाकात होती है, दिया की मुलाकात होती है आदि से।
फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो रिवील कर दिया तो वो फिल्म देखने का जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। एक ऐसी इमोशनल जर्नी पे आपको ये फिल्म लेके आती है, मतलब बहुत कम पत्थर का दिल होगा समझ लो जो हमारे आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ये एक दिल से बनाई गई फिल्म है जो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपको एक्शन रोमांस थ्रिलर देखना है तो जेंटलमैन जाके देखो, और एक प्योर इमोशनल हार्ट टचिंग मूवी देखना है तो डिया जाके देखो। दिस इज द बेस्ट कनाडा मूवीज जो रिसेंटली मैंने देखा हो। और सीरियसली केएफआई इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है ना भाई, बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में रिलीज हो रही है ना। मैं तो टीजर देखा, मैं तो फॉलो अप कर रहा हूँ केएफआई को, मुझसे पूछो मतलब कि बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड भी सोचेगा ये कौन है, ये कहां से आ गई, लोग अब तक तो थे नहीं, अब तक तो हम सिर्फ बॉलीवुड को जानते थे, मगर ये कौन सी इंडस्ट्री आ गई। बहुत ही लाजवाब दोनों फिल्म थी और आने वाली भी होगी। तो बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर नहीं देखे तो पहली फुर्सत में जाकर देख लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशि शेख।